जबकि अजमेर को वर्तमान में 125 से 130 एमएलडी पानी डेली मिल रहा है, तो फिर आखिर गड़बड़ क्या है? तो ध्यान आया कि यहाँ पर अजमेर में पानी की समस्या काफ़ी पुरानी है, समय समय पर प्रयत्न भी हुए और जब स्मार्ट सिटी की घोषणा हुई तो उसमें क्लॉज भी था कि अजमेर को हम 24 घंटे में पानी उपलब्ध कराएंगे। हमने हमारी सरकार के समय 48 घंटे में नियमित रूप से पानी 48 घंटे में दे पाए और अब तो स्थिति ये बन गई पिछले 4 सालों में कि पानी हमको 72 से 96 घंटे में मिल रहा है। इवन होली के धुलंडी के दिन भी लोगों को पानी उपलब्ध नहीं हो पाया। तो इस समस्या के समाधान के लिए जो यहाँ पे रिटायर्ड पीएचडी के इंजीनियर थे जो अजमेर में रह रहे हैं, इनसे मैंने चर्चा की, साथ में वर्तमान में जो एडिशनल चीफ इंजीनियर एसटी और एक्सीएन, इन तीनों से भी चर्चा की और इनको संयुक्त रूप से हमने मीटिंग की। उस मीटिंग में जो निष्कर्ष उभर के आया कि अजमेर की जनसंख्या 7 लाख है और एक व्यक्ति को 150 लीटर के पानी की आवश्यकता इनके मापदंडों के अनुसार है। इस अनुसार हम अजमेर की जनता को यदि डेली पानी भी दें तो उसके लिए 105 एमएलडी पानी चाहिए, जबकि अजमेर को वर्तमान में 125 से 130 एमएलडी पानी डेली मिल रहा है। तो फिर आखिर गड़बड़ क्या है? तो ध्यान आया कि यहाँ पर जल वितरण वह सही रूप से इक्वल नहीं है, कहीं तो बहुत ज़्यादा जा रहा है, कहीं कम जा रहा है। इसके कारण से टेल एंड और बाकी स्थानों पे कमी है। तो अभी तो हम 100 डेली की मांग भी नहीं है, अभी तो आप 48 घंटे में जो दे रहे हो वह तो कम से कम सफिशिएंट पानी इनके पास उपलब्ध है। केवल अनइवन असामान्य होने के कारण ये समस्या ज़्यादा है और इसमें भी फिर इसकी कैसे मालूम करें? तो बल्क मीटर्स आते हैं, वो बल्क मीटर्स यदि SR7 के पास में लग जाए कि इतना उत्तर में जाएगा, पॉपुलेशन इतनी है, इतना दक्षिण है, इतना वहाँ जाएगा। उसके बाद इन्होंने 282 जोन बना रखे, उन जोन में भी ये बल्क मीटर लगे तो किस एरिया में कितना पानी जा रहा है और कितना इन्होंने सप्लाई किया, दोनों डेली यदि मॉनिटरिंग होगी तो उसके सामने जनता के सामने आ जाएगा कि आखिर पानी वेस्ट कहाँ जा रहा है, पानी क्यों नहीं मिल पा रहा है। इसके लिए इस व्यवस्था के करने की मैं मांग करता हूँ। और दूसरी जो डिमांड है कि लगभग 30% पानी लीकेज में जा रहा है, जिससे लीकेज को ये अपनी टीम लगा करके एक स्पेशल टीम कम से कम तुरंत बनाई जाए जो केवल लीकेज को चेक करे और लीकेज को ठीक करे, तो काफ़ी कुछ पानी अजमेर को पीने का उपलब्ध हो सकता है। और तीसरा, जो सरकारी संस्थान या बड़े बड़े बगीचे हैं वहाँ पानी ये पीने वाले लोग दे रहे हैं, इसकी जगह यहाँ जो 2 ट्रीटमेंट प्लांट लगे हुए हैं, एक खानपुरा में लग रहा है, एक यहाँ पे अपने अन्ना सागर के पास में, उसको अन्ना सागर ही कहेंगे, उस पर लग रहा है, उसका पानी का उपयोग वहाँ किया जाए तो पीने का पानी को हम और कलेक्ट करके जनता को दे सकते हैं। ये तीन तो वर्तमान में तुरंत करें और साथ में कई जगह हैंडपम्प खराब पड़े हैं, उनकी रिपेयर का एक अभियान चले। केवल इन्हीं जिसकी शिकायत है उसको ठीक करें, यानी इनकी टीम प्रत्येक वार्ड में, पर्टिकुलर जहां पतली गलियां हैं, जहां इसके अलावा कोई सोर्स नहीं है, ऊंचाई वाले हैं, वहां हैंडपम्प बंद पड़े हैं, उस हैंडपम्प को चालू करें और जहां आवश्यकता हो वह नए हैंडपम्प भी खोदे जाएँ। चूँकि अजमेर उत्तर की भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए वहाँ पर छोटी मशीन जो पिछले 3-4 वर्षों से उपलब्ध नहीं कराई गई है, बड़ी हैंडपम्प जा नहीं सकती मशीन, तो छोटी हैंडपम्प को अभी से ही ये कॉन्ट्रैक्ट पे या जिस पे भी लेना है उसको लेकर के वह हैंडपम्प खुदवाए जाए ताकि जिसके कारण से पानी को मिले। और लास्ट एंड बट वन मेरा एक और सुझाव है कि यहाँ पे कुएं बावड़ियाँ अभी भी पर्याप्त हैं, जिसमें पानी है उसको साफ करा करके पानी की टंकी एक बार पहले हमने रखवाई थी और उसमें मोटर लग जाए, जिसको पानी भरना हो वहाँ से आकर के साफ उसको टेस्ट कर लिया जाए और पानी पीने योग्य है या केवल कपड़े धोने योग्य है, उस हिसाब से उस पर वहाँ पर लगा दिया जाए, उस पानी को सप्लाई किया जाए। तो आगामी आने वाली गर्मी जो फोरकास्ट है कि इस बार टेम्परेचर बहुत बढ़ेगा,
उस कारण से पानी की आवश्यकताएं भी बढ़ेंगी, तो उस अनुसार हम पानी को सप्लाई को जनता में त्राही त्राही मचेगी, उस सो जनता सो बचाने के लिए और पानी उपलब्ध कराने के लिए इन चारों पांचों जो मीटिंग से उभर करके बिंदु आए हैं, इन बिंदुओं पे तुरंत इम्प्लीमेंट किया जाए। इसमें कोई कोई विशेष खर्चे की भी उसमें आवश्यकता नहीं है, लेकिन खर्चे के लिए भी हम दो सुझाव दिए थे कि आखिर इस जो अपना फाइसागर जोन है इसमें यदि 14-15 ट्यूबवेल खोद लिए जाएँ, उस पानी से बहुत बड़ी राहत क्षेत्र को मिल सकेगी। इसका प्रस्ताव भी सरकार के पास गया हुआ है, लेकिन वह तुरंत स्वीकृत हो और साथ में इन सारे पानी के बातों को ध्यान में रखते हुए हम 186 करोड़ की जो केंद्र सरकार से हमने 2 योजना आ रही है उसकी ऐसी प्लानिंग करें कि हम अजमेर को 24 घंटे में पर्याप्त पानी दे सकें। ये प्लान बनाते हैं, खर्चे में कोई कमी नहीं किया, मगर दोनों सरकारों ने दिए। हमारी सरकार से उन्होंने उस समय डेली पानी देने के लिए 90 करोड़ मांगे थे जो हमने इनको दे दिए, फिर जब स्मार्ट सिटी आया तो 20 करोड़ और स्मार्ट सिटी से दिलवाए, तो आज 110 करोड़ वो खर्च हुए। उसके पहले के पैसे खर्च, पैसा ये जितना डिपार्टमेंट मांग रहा हम दे रहे हैं, तो या तो प्लानिंग के प्रॉपर नहीं है और साथ में पानी की सही ढंग से वितरण प्रणाली ठीक होगी तो हम अजमेर की जनता को जो स्मार्ट सिटी का कमिटमेंट है कि हम डेली पानी उपलब्ध करा सकेंगे, वह उपलब्ध हो सकेगी और आने वाली गर्मियों में लोगों को हम पानी उपलब्ध करा सकेंगे। नहीं तो जनता में जो आक्रोश है अभी वह आक्रोश भयंकर होगा, जिसके परिणाम की जिम्मेदारी प्रशासन की।